राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको देखिए ये चने की दाल से कुछ बताने जा रही हूँ रेसिपी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइएगा। ये चना की दाल है फ्रेंड, मैं रात में फूलने के लिए डाल दी थी पानी में। इसको रात और पानी में डाल के छोड़ दीजिए और सुबह धो के इसे इस तरीके से इसको पीस लेना है मिक्सी में। ये देखिए एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। आज मैं इससे आपको बताऊंगी सब्जी कैसे बनाते हैं। बहुत ही अच्छा सब्जी बनके तैयार होता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर हरा सब्जी खाते खाते बोर हो गए हो। अगर हरा सब्जी खा के बोर हो चुके हैं तो आप लोग इस तरीके से बना के खा सकते हैं। ये देखिए सब मैं बेसन में क्या डाली हूँ, चने की दाल के बेसन में। हल्दी पाउडर ले लीजिए 1 चम्मच, मिर्च पाउडर है, जीरा है, कुछ खड़ा जीरा लेना है, नमक स्वाद के हिसाब से डालिए और उसके बाद इसको पानी डाल के मिला लेना है। इस तरीके से इसका एक अच्छा सा घोल तैयार करना है। इसमें मैं पानी और थोड़ा भी ऐड करूँगी, पहले मिला लेती हूँ मसाला सबको, उसके बाद इसमें पानी और ऐड करके इसका पतला सा घोल तैयार करना है। एक बेसन का बनाते हैं ना उसका और इसमें ना टेस्ट में फ़र्क ज़रूर होता है, आप लोग देखिएगा बना के। इस तरीके से बनाइएगा ना, इसका टेस्ट उस वाले सब्जी से ज़्यादा अच्छा बन के ये तैयार होता है। अब मैं तवा चढ़ा दी हूँ, तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी। देखिए तवा गर्म हो चुका है, मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाली हूँ 1 चम्मच, और जब गर्म हो जाए तो मैं इसमें जो बेसन का घोल बना के रखी हूँ ना उसमें इसमें 2-2 चम्मच इस तरीके से डाल के फैला देना है, और फैला के इसे आराम से बनने दीजिए। चाहे तो आप गट्टे वाली सब्जी जो बनता है ना वो भी बना सकते हैं, ये वाले बेसन का वो भी बनाने से ना गट्टे वाली सब्जी वो भी बहुत टेस्टी बनेगा। पर मैं इस तरीके से बना रही थी तो ये भी बहुत अच्छा बनके तैयार होगा आपका। इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा चने की दाल से। अब ये देखिए ऊपर से जब पूरा ड्राई आपको दिखने लगे ना सूखा सूखा टाइप के, तब इसको मुझे पलटना है। पलटना नहीं है, बस फोल्ड करना है। इसको मैं फोल्ड करूँगी। जब ये ऊपर से देखिए हो रहा है ना, ड्राई हो रहा है, तो उसके बाद जब पूरा ड्राई हो जाए तो फिर मैं इसको फोल्ड करके इसको हटा लेना है, फिर मैं दूसरा इसी तरीके से बनाऊंगी। देखिए हो चुका है, और देखिए कितना अच्छा तरीके से ये फोल्ड भी हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ तुरंत। अब इस तरीके से इसको थोड़ा देर छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको हटा लेना है। हटाने के बाद फिर इसको इसी तरीके से मैं सारे घोल को इसी तरीके से बना के रेडी कर लूँगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को आज का रेसिपी। अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बन चुका है तो मैं इसको अब हटा लूँगी, और फिर मैं अब मसाला इसी तरीके से सारे घोल को मैं बना लेना है। ठीक है, मैं उतना लंबा आपको वीडियो नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप लोग बोर होने लगोगे इस वजह से। तो इसी तरीके से सारे बेसन को बनाइए। अब मैं देखिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पर, और कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। जब गर्म हो जाए पूरा कढ़ाई तब इसमें तेल डालना है। जब तेल आपका पूरा हीट हो जाए तो इसमें मैं कुछ खड़ा मसाला डालूँगी। खड़ा मसाला में जैसे कि सरसों लेना है, जीरा लेना है, मेथी लेना है, सौंफ हो तो वो लीजिए, जमाइन हो वो लीजिए, और मंगरेला जो होता है ना, कलौंजी जिसे कहते हैं, वो डालिए। ये सब एक पचफोरन बन के तैयार हो गया। तो ये हम लोग इसको पचफोरन कहते हैं, 5 तरीके का खड़ा मसाला जो डालते हैं ना उसको पचफोरन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं डाली हूँ, सब अलग अलग करके आपको दिखाई हूँ। अब इसमें मैं कुछ कटिंग किया हुआ प्याज डालूँगी जो एकदम पतला पतला काट के तैयार रखी हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से चलाना है,
और मैं इस सब्ज़ी का मसाला मैं बता देती हूँ कि क्या क्या यूज करना है। सब्ज़ी के मसाला में आप सरसों, लहसुन, एक प्याज, जीरा, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर सब मिक्स करके मसाला मैं तैयार कर ली थी, तो वो आप यूज कीजिए। पहले प्याज हमारा जब पूरा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए अच्छी तरीके से, तब फिर मैं इसमें मसाला जो बना के रखी हूँ ना उसको ऐड करना है। तैयार हो चुका है, भुना चुका है, तो अब इसमें मसाला ऐड करना है। मसाला मैं बता चुकी हूँ फ्रेंड कि क्या क्या डाली हूँ। क्या करना है, इसमें नमक डाली स्वाद हिसाब से, और उसके बाद मसालों को इस तरीके से भूनना है अच्छी तरीके से। जब मसाला आपका तेल छोड़ दे तो उसके बाद इसमें पानी कुछ ऐड कीजिए। अभी फ़िलहाल कुछ देर मैं 10 मिनट तक मसाला को भूनूंगी धीमा आंच पे। अब मसाला जब भी भूनिए थोड़ा सा आंच को धीमा कर दीजिए, उस तरीके से ना मसाला बहुत अच्छा तरीके से भुनाता है और सब्ज़ी अच्छा बन के तैयार भी होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मसाला हमारा कितना अच्छा तरीके से भुना चुका है ना, पूरा मसाला ड्राई हो गया है और साइड साइड से तेल भी छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालिए ना। छोटा जिससे मैं घोल बनाई थी उसी में मैं 2 गिलास पानी डाली और उसी का घोल को इसमें डालना है, जिससे कि इसका घोल जो आप बना रहे हैं ना ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा बने और बहुत अच्छा बन के तैयार हो आपका। तो मिला के पानी को इसमें इस तरीके से डालिए और जब ये आपका हो जाए तो फिर मैं इसको थोड़ा देर गैस तेज कर दीजिए कि आपका जो ग्रेवी है बहुत अच्छा तरीके से तैयार हो जाए। और मैं जो बेसन बनाई हूँ ना इसको कटिंग कर लेना है, पतला पतला इस तरीके से कटिंग कर लीजिए। उबाल आ जाए, 2 उबाल आ जाए तो मैं उसको उसमें इसको ऐड कर देना है। हरा सब्जी खाते बोर हो गए तो आप इस तरीके से बनाइए, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, खाने में बहुत अच्छा, चावल के साथ चाहे रोटी पराठा जिसके साथ भी आप खाना चाहते हैं खा सकते हैं, ज़्यादातर ये चावल के साथ ही अच्छा लगता है। ये देखिए बन के तैयार हो गया हमारा सब्जी, धीमा आँच पर कुछ देर 2 मिनट तक मैं गैस पर इसको छोड़ दूँगी, उसके बाद जब ये बन जाएगा तो फिर मैं इसे गैस को बंद कर देना है। अगर धनिया पत्ता टमाटर हो तो आप उस वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, धनिया पत्ता टमाटर भी डालने से और भी ज़्यादा अच्छा बनके तैयार होता है। देखिए ये सब्ज़ी हमारा चने की दाल की बेसन की सब्ज़ी तैयार है बनके, दिखने में भी सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनके तैयार हुआ था। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए या ज़रूर बना के देखिए कैसा बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच सपोर्ट।